हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आप सबको प्रभु आशीष करे। हेवनली मन्ना के और एक एपिसोड में हालेलुया हम सब आपका स्वागत करते हैं। हालेलुया ये 30th एपिसोड है। हालेलुया प्रभु ने अब तक आशीष दिया, आगे भी आशीष देता रहेगा। मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आज आपको भी आशीष दे। हालेलुया धन्यवाद करते। हालेलुया हम प्रेयर करेंगे। धन्यवाद स्तुति महिमा प्रशंसा तारीफ करते प्रभु ये समय ये दिन के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिया। सचमुच प्रभु हम प्रे ग्रुप टीम जीसस ब्रदर आशीष के लिए धन्यवाद देते कि उन्होंने अपने पेज पर हमें आमंत्रित करते हुए प्रभु आज के इस 30th एपिसोड हेवनली मन्ना के हालेलुया तूने हमें लाया। सचमुच प्रभु अब तक तूने संभाला, आगे भी संभालने वाला खुदा तेरा अनुग्रह तेरी दया है जो अब तक तूने संभाला प्रभु। आज इस प्रोग्राम का ताबा तू ले, हमारे जीवन का ताबा तू ले, अपनी आत्मा के अगुवाई में तो हमें ले चल प्रभु, ताकि हालेलुया जो भी हालेलुया वचन है प्रभु लोगों के जीवन में आशीष का कारण बने प्रभु। ऐसा मान आशीष देने वाला खुदा यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कीजिए। मतलब आमीन। हालेलुया वचन को पढ़ेंगे आज के वचन सबोपदेशक 9वां अध्याय 8वां वचन। तेरे वस्त्र सदा श्रेष्ठ रहे और तेरे सिर पर महरम की घटी न हो। सब हालेलुया हालेलुया। आज के इस वचन पढ़े जाने पर प्रभु का आशीष हो। सचमुच तेरे वस्त्र सदा श्वेत रहे और तेरे सर पर मरम की घटी न हो, ये प्रभु का वाणी है। मसीह जीवन पवित्रता का एक आह्वान है, एक चेतावनी है। हालेलुया क्योंकि पहला पत्रस उसका 1:15 में प्रभु कहता है कि परमेश्वर पवित्र है, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। पवित्र जीवन जीने का सीधा मतलब है हमें पाप से दूर रहना है, हमें एक पवित्र जीवन जीना है। हालेलुया पवित्र ग्रंथ बाइबल ने हमारे सामने जो भी पाप प्रकट किए हैं, वे सब शैतान के द्वारा शासित किए गए हैं और आपके आत्मिक जीवन को भ्रष्ट करने के लिए, प्रदुष्टित करने के लिए, बिगाड़ने के लिए वो इच्छा रखती है, वो प्रवृत्ति रखती है, आपके जीवन को बिगाड़ना चाहती है। परमेश्वर के संतान के रूप में यदि आप आत्मा में मजबूत होना चाहते हैं, हालेलुया परमेश्वर के उच्चतम क्षेत्र में संचार करना चाहते हैं, तो आपको स्वयं पवित्र होना होगा और सचित रूप से आपको उसमें चलना होगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे प्रिय प्रभु के जन, पवित्रता में चलना हमेशा परमेश्वर का दिव्य या पवित्र उपस्थिति को सक्रिय करता है, वो एक्टिवेट करता है हमारे जीवन में। और अपने सर पर प्रभु का वचन कहता है मरम या तेल से अभिषेक करने से आप तरोताजा और समृद्धि या धनी हो जाते हैं। हालेलुया प्रभु का अभिषेक, प्रभु की पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर है। वचन संहिता उसका 23:5 तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए पेज बिछाता है और तूने मेरे सिर पर तेल मला और है, तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया प्रभु ने हमारे सर पर तेल मला है। परमेश्वर चाहता कि हम एक पवित्र जीवन जिए, क्योंकि बिना पवित्रता का हम उसे देख न सकते। मेरा प्रभु हम सबका प्रभु पवित्र है। परमेश्वर आपको आपके परिधान, आपके वस्त्र सफेद रखने में मार्गदर्शन दे। यही मैं प्रभु से दुआ करता हूं कि सचमुच हम उसके सामने पवित्र रहे, क्योंकि प्रकाशित वाक्य उसका 3:1
पांच वचन कहता है जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्रेष्ठ उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। हालेलुया, जो जय पाएंगे हालेलुया, हर परिस्थिति के ऊपर, हर बीमारी के ऊपर, हर क्लेश के ऊपर हालेलुया, जो जय पाएंगे हालेलुया, प्रभु ने पाया है और उसने हमें वो जीवन दिया है, उसे श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तिका में से नहीं काटूंगा। हालेलुया, वो जीवन की पुस्तिका में हमारा नाम को लिखा है पर उसका नाम और उसका पिता और उसके हमारा जो नाम है पिता और उसके स्वर्गदूत के सामने मान लूंगा। हालेलुया, प्रभु हमारा वो नाम मान लेगा, इसलिए हमें प्रभु से दुआ करना है। प्रभु सचमुच हालेलुया एक पवित्र जीने के लिए प्रेरित करने के लिए हमें धन्यवाद, क्योंकि वो ही है जो हमें ताकत देता है, हमें क्षमता देता है कि हम एक पवित्र जीवन जिए, उसके बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, क्योंकि पवित्रता के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। तो आज के वचन ये वे तेरे वस्त्र सदा श्वेत रहे और तेरे सर पर मरम की घटी न रह, हालेलुया, मरम की घटी न हो, हालेलुया। प्रभु के इस वचन आपके जीवन में सौ गुना आशीष को लाए, एक पवित्र जीवन जिए। मेरा प्रभु जल्दी आने वाला, हम सबका प्रभु जल्दी आने वाला है, हमें पवित्र रहना है। आइए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद, स्तुति, महिमा, प्रशंसा, तारीफ करते प्रभु ये समय, ये दिन के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिया। सचमुच प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, हालेलुया, कि आपके लिए जो एक पवित्र जीवन जीने के लिए तूने प्रेरित किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तेरे नाम की स्तुति करता हूँ हालेलुया, क्योंकि बिना पवित्रता के हम आपको देखना, जो आपको देखना असंभव है, ये हकीकत है, ये वास्तव में है। एक पवित्र जीवन जीने के लिए तो हमें सामर्थ्य दे, हमें शक्ति दे तेरे आत्मा के द्वारा प्रभु, कृपा हालेलुया, हमें अपने परिपूर्णता के अनुभव कराने के लिए एक पवित्र और धर्मी जीवन जीने की अगुवाई तो हमें कर प्रभु, अपने आत्मा के द्वारा हमें ले चल प्रभु, ताकि हम एक पवित्र जीवन जिए प्रभु हालेलुया, हमारे सर पर लगातार अनुग्रह का अभिषेक करे, ताकि हालेलुया हम यीशु के नाम को, तेरे पवित्र नाम को बुद्धिमानी पूर्ण निर्णय हम अपने जीवन में ले, तेरे पवित्र नाम को ऊंचा उठाए, जो भी हम निर्णय ले प्रभु बुद्धिमान पूर्ण निर्णय ले, तेरे आत्मा के अगुवाई में निर्णय ले, तू हमें आशीष देने वाला खुदा है। आज हम धन्यवाद करते प्रभु कि तूने हमें अभिषेक किया प्रभु, उस अभिषेक में, उस तेल में, उस पवित्र आत्मा के अगुवाई में, तेरे वचन में, तेरे पवित्रता में हम अपने जीवन को व्यतीत करें, तू हमें आशीष देने वाला खुदा आज धन्यवाद देते जो हमें देख रहे प्रभु, हर एक को तू ब्लेस कर प्रभु, हर एक परिवार को, व्यक्ति के जीवन को ब्लेस कर, हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट को तेरे उठा दे प्रभु, तेरा तमाम आशीष हर एक जीवन में तू देने वाला खुदा, यीशु के नाम से मांगते, सुन कबूल कीजिए पिता, आमीन। हालेलुया, सचमुच हालेलुया, प्रभु के नाम की हम महिमा करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। तेरे नाम से मिलती है शक्ति, तेरे नाम से मिलती है मुक्ति, पवित्र मेरे परमेश्वर।
पवित्र मेरे यीशु, तू है महा यीशु राजा, सर्वशक्तिमान यीशु मेरे, तू है महान यीशु राजा, तू सर्वशक्तिमान यीशु मेरे, तू है महान यीशु राजा, सर्वशक्तिमान पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे परमेश्वर, पवित्र तू है, पवित्र पवित्र खुदा है। और हमें भी पवित्र रहने के लिए अपने आत्मा के अगुवाई में तो हमें ले चल, ताकि हम एक पवित्र जीवन जिए। और तू अपने तेल का वो अभिषेक, वो मरम हमारे जीवन में बहुतायक से तू डालने वाला खुदा है। अपने आत्मा के द्वारा तू हमारी अगुवाई कर, यीशु के नाम से आमेन आमेन आमेन। प्रभु आप सबको बहुतायक से आशीष करें। God bless you.